हमने पूर्व में एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड को पढ़ा। उसकी एक कमी यह थी कि यह वह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एक बहुत छोटे हिस्से, केवल विकसित और विकासशील देशों के बीच के व्यापार को और उसमें भी बहुत कम अंश को समझा पाता है। वह सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ ने दिया, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकसित देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जनन क्यों होता है, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता। इस कमी को डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक में दिए गए सिद्धांत लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के माध्यम से पूरा किया। डेविड रिकार्डो ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में दिया। अब हम समझते हैं कि डेविड रिकार्डो का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है। डेविड रिकार्डो यह कहता है कि अगर दो देशों में से अगर एक देश दोनों वस्तुओं के मामले में अगर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की स्थिति में है और दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं में एब्सोल्यूट एडवांटेज की स्थिति में है, तब भी व्यापार संभव है। इस स्थिति में जो देश जो कि दोनों वस्तुओं के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की स्थिति में है, वह उस वस्तु जिसमें वह कम एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की स्थिति में अर्थात कंपेरेटिव एडवांटेज की स्थिति में है, उसका स्पेशलाइजेशन करेगा और उस वस्तु का निर्यात करेगा तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें वह एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की अधिक मात्रा में डिसएडवांटेज की स्थिति में है, अर्थात वह उस वस्तु में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की कंपेरेटिव डिसएडवांटेज की स्थिति में है। और वो देश जो कि दोनों वस्तुओं के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की स्थिति में है, वो देश उस वस्तु का स्पेशलाइजेशन उत्पादन में स्पेशलाइजेशन और निर्यात करेगा जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज अर्थात एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा है अर्थात कंपेरेटिव एडवांटेज है, और उस वस्तु का आयात करेगा जिस वस्तु में वह जिस वस्तु में उस देश का एब्सोल्यूट एडवांटेज कम है अर्थात कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है। आइए हम इसको एक निम्न उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फिर वही उदाहरण थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि अब यूके क्लोथ की एक घंटे में केवल 2 मीटर मात्रा को पैदा कर पाता है। यहां भी हम देखते हैं कि यूके क्लोथ और वीट दोनों में ही एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की स्थिति में, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि वीट के मामले में वह यूएसए से 6 गुना कम इफिशियंट है, जबकि क्लोथ में वह 2 गुना ही कम इफिशियंट है, अर्थात उसका क्लोथ के मामले में कम एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, अर्थात वह क्लोथ के मामले में एब्सोल्यूट कंपेरेटिव एडवांटेज रखता है, जबकि वह वीट के मामले में उसका कंपेरेटिव एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा, अतः उसका क्लोथ वीट के मामले में कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है, अतः यूके क्लोथ का उत्पादन और स्पेशलाइजेशन करेगा और इस वस्तु का निर्यात करेगा और वीट का आयात करेगा। दूसरी तरफ यूएसए वीट के मामले में यूके से 6 गुना अधिक इफिशियंट है,
अतः जबकि क्लोथ के मामले में केवल दो गुना ही अधिक इफिशियंट है, अतः यूएसए वीट के मामले में अधिक एब्सोल्यूट एडवांटेज में है जबकि क्लोथ में कम एब्सोल्यूट एडवांटेज में है। इस कारण यूएसए वीट के मामले में कंपेरेटिव एडवांटेज रखता है जबकि क्लोथ के मामले में कंपेरेटिव डिसएडवांटेज रखता है। इसलिए यूएसए वीट के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेगा और उसका निर्यात करेगा जबकि क्लोथ का आयात करेगा। इस प्रकार जब यूएसए वीट के निर्यात में वीट के उत्पादन निर्यात में स्पेशलाइजेशन करता है और यूके क्लोथ के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन और निर्यात करता है तो दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा और यह दोनों देशों के लिए कल्याणकारी होगा। आइए हम देखते हैं कि यह किस तरीके से दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। हम जानते हैं कि डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट दोनों वस्तुओं की यूएसए में 6W और 4C अर्थात यूएसए कपड़े की 6 मात्रा के बराबर, सॉरी गेहूं के छह किलो के बराबर 4 मीटर कपड़ा देने को तैयार होता है और यूके 1 किलो गेहूं के बदले 2 मीटर कपड़ा देने को ही तैयार होता है। यूएसए किसी भी हालत में अगर उसको 6 मीटर कपड़े के सॉरी 6 क्विंटल गेहूं सॉरी 6 किलो गेहूं के बदले अगर 4 मीटर ही कपड़ा प्राप्त होता है तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो फालतू की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली परेशानियों को नहीं उठाएगा। वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तभी शामिल होगा जब उसको 6 किलो गेहूं के बदले 4 मीटर से अधिक कपड़ा प्राप्त हो। इसी प्रकार यूके भी अगर उसको 1 किलो गेहूं के बदले 2 मीटर कपड़ा ही प्राप्त होता तब भी वो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होगा, उसको भी 2 मीटर कपड़े के बदले 1 किलो गेहूं से अधिक प्राप्त होना चाहिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो विनिमय दर होगी दोनों वस्तुओं की उसकी रेंज ये होगी 4C > 6W = 12AC अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाला टोटल गेन 8C होगा अर्थात 8 मीटर कपड़ा होगा। अब ये इस लाभ का डिवीजन दोनों देशों के बीच किस तरीके से होगा ये प्योरली इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। अब माना कि हम मानते हैं कि हम अभी हाल फिलहाल ये मान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विनिमय दर 6 मीटर कपड़े के लिए 6 किलो गेहूं में। इस स्थिति में हम देखते हैं कि यूएसए का अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ 2 मीटर कपड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर जितना संसाधन यूएसए 6 मीटर कपड़े को सॉरी 6 क्विंटल सॉरी 6 किलो गेहूं को पैदा करने में लगाता है अगर उसी को वह क्लोथ के उत्पादन में लगाए तो उसको केवल 4 मीटर ही कपड़ा प्राप्त होगा, इसलिए उसको 2 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है। इसी प्रकार यूके का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से फायदा है वह 6CA 6 मीटर कपड़ा है। क्यों? अगर यूके 6 मीटर कपड़े को यूके क्यों
सॉरी यूके अगर 6 क्विंटल गेहूं को पैदा करता है तो उसको 6 घंटे चाहिए, लेकिन अगर वो इसी समय को क्लोथ के उत्पादन में लगाए 6 घंटे तो उसको 12 मीटर कपड़ा पैदा करेगा। अब इसके वो 6 मीटर कपड़ा देके 6 क्विंटल सॉरी 6 मीटर सॉरी 6 किलो गेहूं प्राप्त कर लेता है, बाकी का 6 मीटर कपड़ा उसी के पास रह जाता है, अतः उसका लाभ 6 मीटर कपड़ा है। लेकिन एक्सचेंज रेट को हम अभी यहां क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं कैसे निर्धारित हो जाती है, इसको हम आगे निर्धारित करेंगे कैसे निर्धारित हो जाती है, अभी तो हमने यहां पे इसको अज्यूम्ड किया है। यदि एक्सचेंज रेट 6W इक्वल टू 8C हो तो यूएसए का गेन 4C होगा और यूके का गेन भी 4C होगा। धन्यवाद, नमस्कार।